में आज आपको बताएंगे कि आप सैमसंग M32 में स्क्रीनशॉट कैसे टेक कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप सैमसंग M32 में बहुत इजी में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो सैमसंग M32 में स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, इस वीडियो को अंत तक देखिए और बहुत इजी में समझिए। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है राजन, आप देख रहे हैं राजन मोनिटर चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोज इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज लाते रहता हूँ। सो आपको मैं बता दूं कि सैमसंग M32 में स्क्रीनशॉट टेक करने के लिए सिंपली आपको सबसे पहले अपने फोन में सेटिंग को ओपन करना होगा। सेटिंग को ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा और इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली एडवांस फीचर लिखा मिल जाएगा, तो सिंपली इस एडवांस फीचर पे क्लिक करना है। एडवांस फीचर पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा और यहाँ पर इस मोशन एंड गेस्चर पे क्लिक करना है। मोशन एंड गेस्चर पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा, तो सिंपली आपको इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे प्लम स्वाइप अप टू कैप्चर लिखा मिल जाएगा। आपके फोन में ये प्लम स्वाइप अप कैप्चर ऑन है या ऑफ है, तो सिंपली ये आपके फोन में ऑफ होगा तो इसको ऑन कर लेना है। मीन्स यदि आप इसको ऑन रखते हैं तो आप अपने हैंड को लेफ्ट से राइट की ओर करिएगा, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इसमें स्क्रीन शॉट टेक हो गया। मैं आपको बता दूं कि अपने हाथ को आपको स्क्रीन में सटा के लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट की ओर करना होगा, तो सैमसंग के फोन में बहुत इजी में स्क्रीन शॉट टेक हो जाएगा। आई होप कि मैंने आपको पूरी डिटेल्स में बता दिया हूँ कि सैमसंग M32 में आप स्क्रीन शॉट कैसे ले सकते हैं।